फाइनेंशियली हम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, अल्लाह ताला हमें जितना ज़्यादा देता है, हम उतना ही ज़्यादा ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते चले जाते हैं। क्यों कमज़ोर होते हैं? किसी ने बड़ा खूब कहा कि जैसे जैसे इंसान अमीर होता है, वैसे वैसे उसके दिमाग की गरारी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। क्यों? कि वो गलत फ़ैसले करना शुरू कर देता है, वो इंसान को इंसान समझना छोड़ देता है, वो अपने आप को शायद खालिक समझना शुरू कर देता है, उसके अल्फाज इतने सख्त हो जाते हैं कि वो किसी को कुछ भी कंसिडर नहीं करता, वो मुलाजमों के साथ बड़ा नारवा सलूक रखता है, गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करता है, गाड़ी में बैठेगा तो इस एटीट्यूड के साथ बैठेगा कि शायद बाकी सारी दुनिया गाड़ी के बाहर वाली कमतर है और वही एक सुपीरियर बंदा गाड़ी में मौजूद है। जब ये सोच दिमाग में बैठ जाती है तो उसके साथ साथ आपकी चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और हमें पता नहीं चलता कि किस स्टेज पर हम बुलंदी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात और रात के बाद फिर सुबह। कायनात का निज़ाम तब्दीली के साथ चल रहा है। हमारा इख्तियार तो ये भी नहीं है कि हम अगले ही कदम क्या करने वाले हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा करीब अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है। मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करता चलूँगा। मेरे एक दोस्त थे, बड़े ही अच्छे दोस्त मेरे, बहुत अच्छी सोच फिक्र रखते, लेकिन बात वही है, बाज़ औक़ात इंसान जुमले ऐसे बोल जाता है जो बाज़ औक़ात सख्त होते हैं और बाद में हमें इस चीज़ पर नदामत होती है। किसी जगह पर बैठे थे तो एक शख्स उनके पास आया जिनके साथ उसके कोई कारोबारी मामला थे, उसने कोई पेमेंट वगैरह उनसे लेनी थी या कुछ मामला उनसे करने थे। वो शख्स जो था वो किसी अपनी उलझन में, परेशानी में था और मैं काफ़ी देर से उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था कि काफ़ी टेंशन में है, इसका इशू है तो कोई होगा मसला, मैं ऐसे नहीं पूछ सका। तो वो काफ़ी देर सोचता रहा, वेट करता रहा कि जैसे ही मेरी बारी आएगी तो मुझे अकोमोडेट किया जाएगा। तो वो साहब जो थे, दोस्त मेरे थे, तो उन्होंने जब उनकी बारी आई, उनसे बिल लिया और सारा डिस्कस किया मामला, तो वो बड़ा अग्रेशन में बोलने लगे कि आज के बाद तुम इधर का रुख नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ कारोबार नहीं करूँगा, तुम चले जाओ यहाँ से, छोड़ के चले जाओ और दोबारा कभी इधर नज़र नहीं आना। वो शख्स चला गया और मैंने उसके बाद उनसे ये पूछा कि आपने जिस लेवल पे जाके ये जुमले उसको बोले हैं या जो अल्फाज आपने यूज़ किए, आपको अंदाज़ा है कि आपने क्या बोला है? तो वो पहले तो बिल्कुल ही अनजान हो गए कि मैंने क्या बोल दिया। तो मैंने फिर उनको बताया कि आपके पास क्या इतना इख्तियार है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं आप दोबारा फिर इसी कुर्सी पे सुबह आके बैठ जाएंगे? सुबह तो बड़ी दूर की बात है, अगले लम्हे के बाद भी आप इस कुर्सी के हकदार होंगे, क्या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? वो कहने लगे कि बिल्कुल यही अंदाज़ा मुझे इस चीज़ का। क्यों अंदाज़ा नहीं है? क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह की ज़ात ऊपर बैठी है, राज़िक वो है, खालिक वो है। तो फिर आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि मैं तुम्हें आज के बाद कारोबार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें रिस्क नहीं दूंगा, या मैं तुम्हें अपने साथ बिज़नेस में नहीं अटैच करूंगा? फ़ैसला आपके पास नहीं है। अगर वो शख्स आपके साथ कारोबार करता है तो उसका नसीब उसको आप तक लेकर आया है, आपका और उसका नसीब आपस में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से वो बंदा चल के आपके पास आया है, तभी आपका कारोबार उसके साथ जुड़ा है। अदरवाइज़ आपके इख्तियार में नहीं है कि आप उसको अपने साथ लगाते, आप किसी भी तरह कारोबार की कोई भी लड़ी उसके साथ चलाते। अपने अल्फाज के ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम बिल्कुल भी अल्फाज के ऊपर गौर नहीं करते, हम जब बोलने पर आते हैं तो हम इस लेवल पर बात कर जाते हैं कि जो हमें नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात इसी से रिलेट करता चलूँ कि हम अपने अंदर से मैं नहीं ख़त्म करते। कॉन्फिडेंस होना बड़ी अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। जब हम अपने अंदर मैं को रखते हैं तो वो मैं ही हमें ख़त्म करती है, कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, हमें उन्हीं तरीक़ों पर चलना है जो हमें बताए गए हैं। अपने आप को उस लेवल पर लेकर आएं कि आपके अंदर मैं ना हो, आप इनफरादियत से बाहर निकलें, इज्तमाईयत की तरफ जाएं, लोगों का ख्याल करना सीखें। किसी ने बड़ा खूब कहा, मैं सुन रहा था, इशफाक अहमद साहब के कोई दोस्त थे तो उनसे उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मैं जवानी में इशफाक साहब के पास बैठा था तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे कोई टिप दें कि मैं ज़िंदगी जीत सकूं, ज़िंदगी को विन कर सकूं। तो इशफाक साहब कहने लगे कि मैं तुम्हें टिप देता हूं कि तुम मौत को जीतो। तो मैं कहते बिल्कुल जवान था तो मुझे लगा कि इशफाक साहब सीनियर हैं तो मैं इनको आगे से क्या आर्ग्यू करूँगा। तो मैंने कहा सर चलें यही बता दें कि मैं मौत को कैसे जीत सकता हूँ। उन्होंने कहा अपने आप को छोड़ के लोगों का ख्याल करना शुरू कर दो, तुम मौत को जीत जाओगे।
जब मौत को जीतोगे तो ज़िंदगी खुद ब खुद जीती जाएगी आपसे। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बता दूँ कि अल्लाह ताला पर यकीन अपना पुख्ता करें। दूसरी चीज़ कि इख्तियारात जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उन इख्तियारात को इतना सख्ती से होल्ड करें कि जैसे हमें लगे कि ये कभी हमारे हाथ से जा नहीं सकते। पैसा हाथ की मैल है, आपके इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं। इन चीज़ों को बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल करें जैसा कि हमें डायरेक्शन दी गई है। आपके कोई भी मुलाजमीन हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके पास बिल्कुल भी इस चीज़ का इख्तियार नहीं है कि आप उनके साथ तल्ख लहजे में बात करें, आप उनको गाली गलौज दें, क्योंकि उनकी भी इज़्ज़त नफ्स है, वो भी इज़्ज़त के साथ जीने का हक रखते हैं। और आपको इस चीज़ का इख्तियार किसी ने नहीं दिया कि आप उनके हक को मजरूह करें। मेरी आज के सेशन में मैंने दो बातें आपके साथ शेयर की, उनको रेपिटेशन में आपके साथ शेयर करता चलूं। पहली बात, अल्लाह ताला पर अपना यकीन पुख्ता करें, और यकीन को पुख्ता करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है वो मैंने आपको बताई है कि अगर कोई जानवर है, कोई परिंदा है जिसको ये पता है कि उसने कहाँ से अपनी खुराक को पूरा करना है, कैसे वो अपने आप को पूरे दिन के बाद अपने बच्चों के लिए खुराक या दाना लेकर जाएगा, उसका यकीन इतना पुख्ता है, हम इंसान होने के नाते क्यों उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया कि हमारे समाज के रवैयों में से एक रवैया है कि इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करें जो अल्लाह ताला ने जिस काबिल आपको बनाया है। अपने इख्तियारात को कभी भी एक्सीड मत होने दें, लिमिटेशंस में रहें, और अपनी हद में रहते हुए जब आप इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे और आजिज़ी के साथ चलेंगे तो यकीनन आपके फ़ैसले भी दुरुस्त होंगे और मज़ीद आप बेहतरी की तरफ भी गामजन होंगे। आज के सेशन से फ़रुख शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।